हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं RBC व WBCS से जुड़ी कुछ बेसिक जानकारी व इनसे रिलेटेड कुछ जनरल नॉलेज क्वेश्चन। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम देख लेते हैं RBC। RBC को हम बोलते हैं लाल रक्त कणिकाएं। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा रेड ब्लड सेल्स। RBC को हम इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। अब देख लेते हैं RBC का जीवन काल। RBC का जीवन काल 120 दिन का होता है। 20 दिन से 120 दिन तक हो सकता है। और RBC को मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिकाएं भी माना गया है। तो दोस्तों इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, जो कि है RBC का जीवन काल कितने दिन का होता है। तो आप इसका आंसर बता सकते हैं 120 दिन। दूसरा प्रश्न बनता है, सबसे बड़ी RBC किस में पाई जाती है। तो आपका उत्तर हो जाएगा हाथी में। और तीसरा प्रश्न बन जाएगा आपका, सबसे छोटी RBC किस में पाई जाती है। तो आपका उत्तर हो जाएगा कस्तूरी हिरण। चौथा प्रश्न बनेगा इसमें, RBC का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा प्लीहा। RBC का कब्रिस्तान प्लीहा को कहा जाता है। तो दोस्तों ये थी RBC से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों अब देख लेते हैं WBC, वाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कोशिकाएं। WBC को ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। WBC का काम होता है शरीर में संक्रमण रोगों और बाह्य पदार्थों से रक्षा करना। यह पूरे शरीर में पाई जाती है। WBC पूरे शरीर में पाई जाती है। और WBC का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। इसे शरीर का सिपाही भी कहा जाता है। दोस्तों WBC को शरीर का सिपाही भी कहा जाता है। WBC हमारे शरीर में एंटीजन और एंटीबॉडी बनाने का कार्य करती है, जो कि प्रतिरक्षा तंत्र में भाग लेती है। जिस प्रकार एक बार एंटीबॉडी बन जाती है वह जीवन भर नष्ट नहीं होती है। और दोस्तों श्वेत रक्त कोशिकाओं का अपने स्तर से बहुत अधिक बनना ल्यूकेमिया कहलाता है। तो दोस्तों अब देख लेते हैं WBCS से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सवाल। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला अपना हो जाएगा, इन्फेक्शन के स्थान पर सर्वप्रथम कौन सी WBCS पहुँचती है। तो आपका उत्तर हो जाएगा न्यूट्रोफिल। दोस्तों आपका दूसरा प्रश्न हो जाएगा, एलर्जी से लड़ने में कौन कौन सी कोशिकाएं सहायता करती हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा बेसोफिल्स ईओसिनोफिल्स। आपका तीसरा प्रश्न हो जाएगा, एलर्जी को ठीक करने में कौन सी दवाई दी जाती है। तो आपका उत्तर हो जाएगा हिस्टोमिन हेपरिन। दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन है, सर्वाधिक बड़ी WBCS कोशिकाएं कौन सी होती हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा मोनोसाइट। और सर्वाधिक छोटी WBCS कोशिकाएं कौन सी होती है। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा लिम्फोसाइट बी सेल। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सी कोशिकाएं एंटीबॉडी निर्माण से संबंधित है। तो आपका उत्तर हो जाएगा B सेल व T सेल। कौन सी कोशिकाएं एंटीबॉडी निर्माण से संबंधित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, B सेल व T सेल। तो दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, WBCS की संख्या में लगातार बढ़ोतरी होना क्या कहलाता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा रक्त का कैंसर। अगला प्रश्न है, रक्त में पाए जाने वाले प्राकृतिक प्रतिस्कंदन का नाम। तो इसका नाम हो जाएगा हेपरिन। अगला प्रश्न है, इन्फेक्शन की सूचना किस सूचक द्वारा दी जाती है। आपका उत्तर हो जाएगा न्यूट्रोफिल। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने RBC व WBCS के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी दी है। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।